नमस्कार किशन भाइयों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। किशन भाइयों, आज तारीख हो चुकी है 27 दिसंबर 2023 दिन बुधवार। आज हूँ एक नए वीडियो में प्याज के आज के ताजा भाव का अपडेट लेकर। तो आज जानेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज कैसे क्या रहे प्याज के बाजार, कितनी गाड़ियों की आवक है और कैसे क्या बिक रहे हैं आज प्याज दिल्ली आजादपुर मंडी में किशन भाइयों। और इसके साथ साथ किशन भाइयों, कैसे क्या देखने को मिल रही है ग्राहकी, कंप्लीट अपडेट आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली आजादपुर मंडी से बताएंगे। वीडियो को शुरू से एंड तक देखें तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पर पहली बार हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं प्याज के भाव का अपडेट डालूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे। तो चलिए किशन भाइयों, आज जान लेते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज कैसे क्या रहे प्याज के रेट। तो सबसे किशन भाइयों, पहले बात करेंगे आज दिल्ली आजादपुर मंडी में कैसे क्या देखने को मिल रही है आवक। किशन भाइयों, आवक की बात करें तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी में जो राजस्थान केरथल के नए प्याज के कट्टे हैं वो लगभग आज पहुंचे हैं 8000 से लेकर 8500 कट्टे। और अगर हम गाड़ियों की बात करें किशन भाइयों, तो ऊपर नीचे मिला के आज गाड़ियां लगभग 90 से लेकर 95 गाड़ियां जो हैं बिक्री के लिए खड़ी हुई हैं, जिसमें कि कुछ नेफेड और NCF और राजस्थान मध्य प्रदेश कई जगह से जो है गाड़ियाँ पहुँची हैं किशन भाइयों। अगर हम प्याज के भाव की बात करें किशन भाइयों, तो कल के मुकाबले आज भी प्याज के भाव वही देखने को मिल रहे हैं किशन भाइयों। आए दिन जो है प्याज के भाव गिरते ही जा रहे हैं, हमारे किसान भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि इतने भाव कैसे डाउन हो रहे हैं। फिलहाल किशन भाइयों, प्याज निर्यात बंद होने से जो है लगातार प्याज के भाव में गिरावट जारी है। तो आज जानेंगे सबसे पहले किशन भाइयों, तो नासिक के प्याज जो बढ़िया टॉप क्वालिटी के प्याज हैं किशन भाइयों, आज दिल्ली आजादपुर मंडी में वो आपके 750 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति मन के हिसाब से, और जो मीडियम यानी जो हल्के वाले प्याज हैं वो आपके 500 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति मन के हिसाब से नासिक के प्याज का भाव आज दिल्ली आजादपुर मंडी में खुला है किशन भाइयों। वहीं किशन भाइयों, बात करेंगे राजस्थान के प्याज की, तो राजस्थान के जो नए प्याज के कट्टे हैं किशन भाइयों, आज दिल्ली आजादपुर मंडी में सबसे जो न्यूनतम भाव आज खुला है किशन भाइयों राजस्थान के प्याज का, वो 500 रुपये से लेकर 550 रुपये प्रति मन के हिसाब से, और जो उच्चतम भाव रहा है राजस्थान के प्याज का आज दिल्ली आजादपुर मंडी में किशन भाइयों, 700 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति मन के हिसाब से राजस्थान के प्याज का भाव आज दिल्ली आजादपुर मंडी में खुला है। वहीं किशन भाइयों, बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्याज की, तो मध्य प्रदेश के प्याज आज दिल्ली आजादपुर मंडी में जो बढ़िया टॉप क्वालिटी के प्याज हैं जिनका साइज बढ़िया है किशन भाइयों, वो आपके 750 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति मन के हिसाब से, और जो हल्के यानी मीडियम साइज के प्याज हैं किशन भाइयों, वो आपके आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 500 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति मन के हिसाब से आज प्याज के भाव खुले हैं किशन भाइयों। अगर हम बात करें किशन भाइयों NCF और नेफेड वाले, तो आज वो दिल्ली आजादपुर मंडी में 500 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति मन के हिसाब से दिल्ली आजादपुर मंडी में प्याज के भाव खुले हैं किशन भाइयों। ग्राहकी की बात करें और गाड़ियों की बात करें किशन भाइयों, तो भर भर के जो है आमदनी आ रही है। और ग्राहकी की बात करें किशन भाइयों, तो ग्राहकी जो है सुबह सुबह ठीक ठाक देखने को मिलती है, लेकिन 1 बजे के बाद जो है ग्राहकी बिल्कुल सुस्त दिखाई पड़ती है दिल्ली आजादपुर मंडी में। तो जो कुछ भाव किशन भाइयों प्याज के रहते हैं वो सुबह के टाइम रहते हैं और बाद में जो है लिबाली बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। इसका मेन कारण है किशन भाइयों की प्याज निर्यात जब से केंद्र सरकार ने बंद किया तब से जो है आए दिन प्याज के भाव में गिरावट जारी है। कोई भी तेजी हमारे किसान भाइयों को प्याज के भाव में देखने को नहीं मिल पा रही है। तो किसान भाइयों, अगर भारत सरकार प्याज निर्यात दोबारा चालू करती है तो जो है कुछ ना कुछ हमारे किसान भाइयों को फायदा जरूर होगा और कुछ ना कुछ जो है भाव ठीक ठाक देखने को मिलेंगे मंडियों में। बहरहाल किसान भाइयों, ये थे दिल्ली आजादपुर मंडी से प्याज के आज के ताजा भाव का अपडेट जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिया। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाइयों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।